एक सीट जहां तीनों पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा या अब तीसरी ताकत का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तीनों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस से हरीश चौधरी, दिग्गज नेता मंत्री गहलोत के करीबी राहुल गांधी के करीबी, और भाजपा से जिला प्रमुख बालाराम। और अब आरएलपी ने अपनी सूची में जगह दी है जो पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं, उम्मेदाराम बेनीवाल को। ये तीनों नेता अलग अलग पार्टी के टिकटों पर चुनाव लड़ेंगे और महत्वपूर्ण सीट बायतू को बनाएंगे इस विधानसभा चुनाव की जरूरी हॉट सीट। आज हॉट सीट में हम आपको बताएंगे क्या है बायतू के समीकरण और किसके पक्ष में यह समीकरण बैठेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक का एक खास कार्यक्रम हॉट सीट। बायतू विधानसभा सीट राजस्थान के बाड़मेर जिले में आती है। 2018 में बायतू में कुल 32% वोट पड़े थे और यहां से कांग्रेस पार्टी के हरीश चौधरी ने करीब 14,000 मतों से चुनाव जीता था। बायतू के इस चुनाव में सबसे बड़ा आकर्षण भाजपा का तीसरे स्थान पर रहना था, क्योंकि दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो उस समय नई नई बनी थी, उसके उम्मेदवार बेनीवाल ही थे जिन्हें इस बार भी पार्टी ने टिकट दिया है। और बायतू विधानसभा सीट बाड़मेर के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं कैलाश चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, लगातार भाजपा के लिए राजस्थान में कैंपेनिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरीके से भाजपा एक रणनीति लगा रही है कि इस बार चुनाव में सांसदों को भी उतारा जाए, तो कैलाश चौधरी भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। पहले बाड़मेर, फिर गुड़ामालानी और पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा बायतू, जो कि बाड़मेर जिले की सीमा से लगा हुआ है। 2007 में परिसीमन हुआ और बाद में बायतू अस्तित्व में आया। ऐसी कई सीटें हैं जो 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, जिसमें देवली उनियारा भी है, जहां पर इस बार चुनाव बड़ा कठिन होगा। लगातार विरोध हो रहा है वहां पर भाजपा प्रत्याशी का, पुराने प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का टिकट रिपीट कर दिया है। अब जब 2008 में पहला चुनाव बायतू में हुआ तो बड़ा मजेदार रहा। इस निर्वाचन क्षेत्र पर जाट समुदाय का प्रभाव है और उनके हिस्सेदारी लगभग 40% है। 40% होना मतलब एक सीट पर जीत हो या हार सिर्फ और सिर्फ जाट समुदाय ही तय करेंगे। और अगर किसी पार्टी को अपनी सीट निकालनी है तो 40% में जिसका जितना बंटवारा उतने उसके खेल, यानी कि आप एक ही सीट पर तीनों जाट, चारों जाट उम्मीदवार उतार दीजिए, जाटों के वोट बटेंगे, तो फिर वोट और विनिंग डिसाइडिंग फैक्टर कोई और समुदाय, कोई और समाज बन जाएगा। क्योंकि बायतू में बताया जाता है कि लगभग 25,000 मत राजपूतों के भी हैं। अब बात करते हैं यहां के सियासी इतिहास की। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पिछले दो चुनावों में जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और तीसरे कार्यकाल के लिए उनकी कोशिशों में स्थिति वैसी ही इस बार भी रहने की संभावना है, क्योंकि तीनों चुनाव एक जैसे ही समुदाय के उम्मीदवारों के रहे हैं। बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख मतदाता है, इनमें से 1,14,000 पुरुष और 1,10,000 महिला मतदाता है। यहाँ महिला पुरुष मतदाताओं का अनुपात लगभग 88.82 है, जो एक बड़ा ग्राफ माना जाता है। वहीं अब बात करें कि जाति की, तो बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जाट जाति के लोग हैं, इसीलिए अब तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा बायतू विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें तीनों ही बार जाट जाति के ही विधायक बने हैं। और अभी कांग्रेस पार्टी से हरीश चौधरी, जो कि जाट जाति से ही आते हैं, वो वहां पर विधायक हैं। हालांकि बायतू विधानसभा क्षेत्र की एक और खासियत है, और इस विधानसभा क्षेत्र से एक बार जो चुनाव जीतता है वह दोबारा इस विधानसभा से चुनाव नहीं जीतता है, ये आज तक का इतिहास है। हालांकि चौथा विधानसभा चुनाव बायतू में इस वर्ष होने जा रहा है, देखना है कि क्या ये आंकड़ा, क्या ये इतिहास हरीश चौधरी को अगर टिकट मिलता है तो वो तोड़ पाएंगे।
अब बात करते हैं 2008 के विधानसभा चुनाव की। तो 2008 में कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को हराया था और बायतू विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी और पहले विधायक बने थे, जहां उन्हें 62,207 मत मिले थे और कैलाश चौधरी को उनसे आधे से भी कम, बिल्कुल 25,779 वोट मिले थे। कैलाश चौधरी के मुकाबले कर्नल सोनाराम को उनसे दोगुना से भी ज्यादा वोट मिले थे। फिर 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से दोबारा कर्नल सोनाराम चौधरी चुनावी मैदान में उतरे और भाजपा ने फिर कैलाश चौधरी को टिकट दिया। इस बार कैलाश चौधरी ने कर्नल सोनाराम को हराया और यहां से विधानसभा पहुंचे। कैलाश को यहां 73,097 वोट मिले तो वहीं कर्नल सोनाराम को 59,123 वोट। जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चुनाव हारे तो उसके बाद 3 महीने के अंदर कर्नल चौधरी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा ने कर्नल सोनाराम को 2014 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और वे लोकसभा पहुंच भी गए। लेकिन रोचक हुआ था 2018 का विधानसभा चुनाव, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों की जान हलक में अटका दी थी आरएलपी ने। यहां कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी और आरएलपी प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच टक्कर रही और हरीश चौधरी ने उम्मेदाराम बेनीवाल को करीब 13,000 मतों से चुनाव हराया। यहां कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर चले गए और हरीश चौधरी को कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर राजस्व मंत्री का पद दिया गया। और जब अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे तो उस वक्त हरीश चौधरी ने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस बार के चुनाव में भी यहां मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस तीनों डटकर लड़ेंगे और तीनों के उम्मीदवार भी मजबूत हैं। बात करें जातिगत समीकरण की तो यहां के आंकड़े बताते हैं कि राजपूत यहां लगभग 25,000 हैं, मुस्लिम 20,000, जाट सबसे ज्यादा 75,000, मेघवाल 30,000, प्रजापत 8,000, राजपूत 7,000 और भील 5,000। ये यहां का जातिगत समीकरण। इस बार बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी कांशीराम, यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम का गठबंधन है। इस बार क्या चुनाव में गुल खेलेंगे, क्या वोट एक तरफ बटेगा, क्या वोट एक तरफ सिमट जाएगा, ये देखना होगा। क्या होगा बायतू का चुनाव में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बताइए कि इस बार बायतू से किसकी दावेदारी मजबूत है, कौन इस बार बायतू से चुनाव जीतेगा। हालांकि ऐसे लगातार हम आपको हॉट सीट के समीकरण बताते रहेंगे कि कौन किस सीट से जीत सकता है या किसका ग्राफ मजबूत है। ऐसे कार्यक्रम लगातार देखने के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।